जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के सवाल जो पुराने समयों में CGPSC आप में पूछा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रश्न क्या कहा गया है, एक हवाई जहाज अलग अलग गति से 20 किलोमीटर की त्रिज्या से एक वृत्ताकार रास्ते से उड़ रहा है। केंद्र में 60 अंश के कोण को घेरने वाले वृत्त के चाप के पहले भाग की जो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे भाग के लिए केंद्र जो है 90 अंश है ना, 90 अंश के कोण है और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और केंद्र में 120 अंश के कोण का 120 नहीं होगा, देखिए यदि 90 60 को और माइनस करते हैं 360 में तो ये हो जाएगा आपका 210। ये 210 अंश का कोण तीसरे भाग के लिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको गति करती है, तो पूरा एक चक्कर लगाने पर इसको कितना समय लगेगा। मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, हवाई जहाज जैसे स्टार्ट करती है उड़ना उड़ते उड़ते, तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, बस यही इसको पूछा गया है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हमको दे दी गई कितना, 20 किलोमीटर। अब क्या करना है, यदि हमको त्रिज्या दे दिया गया है और कोण दिया गया है तो वास्तविक में ये चाप की लंबाई को पूछ रहा है, ये चाप की लंबाई को, ठीक है, तो जितना भी थीटा का मान दिया जाएगा हमको चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई के नाम, चाप की लंबाई मतलब डिस्टेंस, यदि चाप की लंबाई निकालने के बाद यदि हम उसी चाप में लंबाई में यदि उसी चाप में हम स्पीड का भाग दे देंगे तो हमको समय मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये हमारे पास टी है, टी बराबर होता है हमारे पास डी बराबर एस, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस में यदि मैंने स्पीड का भाग दिया तो मुझे टाइम निकल जाएगा, और तीन टाइम निकालने के बाद से अगर उस टाइम को मैंने जोड़ दिया तो मुझे पूरा घंटा मिल जाएगा, फिर टोटल समय मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 2πr एक सूत्र होता है, 2πr है ना, 2πr का मतलब इस पूरे परिधि का क्षेत्रफल, परिधि की लंबाई निकालने के लिए 2πr है, लेकिन हमको पूरा परिधि निकालना है क्या, नहीं, थीटा लगाना है। जैसे ऊपर थीटा लिखे तो आपको 360 नीचे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर थीटा की जगह यदि हम 360 लिखते हैं तो आपस में कट जाएगा और 2πr बढ़ जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू यदि 360 से कम है तो हमको थीटा लगा के मान निकालना पड़ेगा। यहाँ कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या हो गया, 2, और 2 से 360 में कटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा और 180। अब इसी में यदि मैं क्या करूँगा, स्पीड का, हाँ इसको मतलब चाल का भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। चलिए अब हम पहला टाइम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टाइम फाइंड कर लें, पाई का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुना, आर का मान हमारे पास 20 है और थीटा हमारे पास है 60, तो हमने यहाँ 60 लिख लिया, क्या लिख लिया, 60 लिख लिया, थोड़ा अच्छा बुरा बन गया 60, अच्छा बनाते हैं ये, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 60 लिख लिया। अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में 180 लिखना ही लिखना है, कहाँ से आया, ये हमारे सूत्र से आया है। उसके बाद बटा क्या लिखेंगे, चाल, क्योंकि डायरेक्ट हमको समय निकालना है ना, डायरेक्ट हमको समय निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे चाल भी लिख लेंगे, तो चाल कितना है यहाँ पे 120 है, तो ये 120 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 120 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो कि नीचे कितने जीरो है, एक जीरो, एक जीरो, ऊपर भी जीरो, ऊपर भी जीरो, ये कट गया, ठीक है। अब 2 से काटते हैं, इससे काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, और काट सकते हैं क्या, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 22 कट जाएगा 11 बार में, क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 11/, है ना, इधर 11 बचा ऊपर में 11 और नीचे 7 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 11/9/63, ठीक है, ये समय हो गया हमारे लिए। इसमें निकला है घंटे में, आया ना, क्योंकि हम मिनट की बात नहीं किए, घंटे में बाद नहीं निकाले हैं। और यदि इस फ्रैक्शन वैल्यू को यदि हम तोड़ना चाहते हैं, पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.17, तो ये हमारे पास पहला टाइम निकल गया T1। अब हम निकालते हैं T2, क्या निकालेंगे, T2 कुछ अलग कलर से निकालते हैं, चलिए अलग कलर से निकाल लेते हैं, ये हम T2 निकालेंगे, सेम मान रखेंगे 22/7, ठीक है, 22/7, पूरे इसको ऐसे लिख लीजिए आगे तक, 22/7, ऊपर क्या गुना करना है, 20 तो रहेगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या है। अब हमारे पास कौन सा कोण बन रहा है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के लिए 180 हमारे फार्मूले में है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड लिखना है, स्पीड को भाग देना है, स्पीड कितना है इसके लिए, 80 है, कितना है, 80 है, 80 है, तब काटते जाइए 10, ये 10, 10 से यहाँ पे हमने 10 काट दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, फिर कैसे काटना है, ये देखिए 2 से काटेंगे तो ये तो 9 बार में जाएगा ही जाएगा, ये 9 से ये वाला 9 कट गया, ठीक है, इस 9 से ये वाला 9 कट गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये 8 है, इसको यदि हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 11,
ऊपर में बचा 11 और 7 चौके 28, तो ये बच गया हमारे पास 11/28। ठीक है, इसको भाग करके आप पॉइंट में आंसर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 0.29 आर घंटा। ठीक है, घंटे में निकल रहा है ना पूरा। अब हम निकालते हैं T3। T3 निकालना, टोटल एक राउंड मारना है। T3 निकालेंगे, T3 निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, 22 गुना 20। ठीक है, अब नीचे हमको इतना लिखना है 7 गुना 180। आप चाहते तो इसको सॉल्व करके भी रख सकते थे ताकि आसानी से आंसर आ जाता है, लेकिन क्या ज़्यादा लिखने से ना गुना भाग करने में आसानी होता है, इसलिए मैं इसको नहीं किया था। चाहते तो आप इसको इतना को पहले ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कर लीजिए। एग्जाम में आप क्या करोगे, 22, 20 और 7, इतने को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसमें 210 या फिर जो भी दिया होगा उसको डिवाइड करके या फिर उसके बाद स्पीड से उसको क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे। अभी नीचे आ गए 150। ठीक है, ये 0 से ये वाला 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 से 21। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दुना 3 6 18, 3 6 18 होता है क्या, 6 18, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, और क्या क्या कट सकते हैं यहाँ से, हम इसको आधा कर सकते हैं। आधा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये ऊपर वाला 11 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 11 हो जाएगा। और कुछ बचा है क्या, अभी भी बचा है, ये 2 अभी भी बचा है, ऊपर ये हमारा 15 भी बचा है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, 11 दूनी 22 कर लेते हैं, तो ये 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 15 और 3 बचा है तो 15 3 45 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आएगा 0.48। कितना 0.48, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे मतलब ये 17 है, 0.17, 0.39 और 0.48, इसको अगर जोड़ लेंगे तो हमारा घंटा आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के देखते हैं कितना आ सकता है। देखिए ये 8 और ये हो गया आपका 8 9, ये लगभग आपका आपका आ जाएगा 1.04, मतलब 1 घंटा 04 मिनट। लेकिन यहाँ 04 नहीं 05 है, क्योंकि मैंने 2 ही अंक तक लिया था, यदि आप 3 अंक तक लेते तब आपका आंसर ये फिक्स बढ़ जाता है, मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, जब भी पॉइंट में आया तो अब देख लीजिएगा ज़्यादा अंतर किस में है, इसमें नहीं है। मैं इसको 2 डिजिट तक लिया था ना दशमलव के बाद, 3 या 4 डिजिट तक लेते तो आपको पूरा आंसर आ जाता। ठीक है, और उत्तर ही ऐसा ही आपको निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 कार बिंदु A से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है और विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। यह एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, प्रश्न में जैसे कहा गया वैसे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इसमें कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे एक कार की बात की है तो हम C1 लिख लेते हैं। ठीक है, C1 जैसी C1 यहाँ से चलना शुरू किया, 12 मिनट तक चला। ठीक है, 12 मिनट तक चला और कितने स्पीड से चला है, 12 मिनट तक चला है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। ठीक है, तो एक तो 12 मिनट में कितने दूर गया होगा। ठीक है, तो 12 मिनट में कितना दूर गया होगा, तो डिस्टेंस अपॉन डी बराबर हो जाएगा एस इंटू टी। अब एस हमारे पास कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, टी कितना है, 12 है, लेकिन ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगा दीजिए, 20 एकम 20, 20 दिया 60, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 4 किलोमीटर। 12 मिनट में ये जो कार है C1 है यहाँ पे आ गया, C1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा मेरा, 4 किलोमीटर कहलाएगा। अब उसके बाद C2 निकलता है। ठीक है, उसकी भी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब तक ये अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाएगा, दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगी। क्या कहा मैंने, जब तक ये अपने डेस्टिनेशन में दोनों नहीं पहुंच जाते हैं तो दोनों की जो बीच की दूरी है हमेशा बराबर ही रहेगी। दोनों के मध्य यदि सेम स्पीड से दोनों गाड़ी चल रही है तो दोनों के मध्य हमेशा हर जगह 4 किलोमीटर की डिफरेंस मिलेगा। अब आएगा प्रश्न में ट्विस्ट। प्रश्न में ट्विस्ट कैसा आएगा ये देखिए, अब कहा गया है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं वो तो इस प्रश्न में कहा गया कि बी के साथ चलना प्रारंभ करता है, इसको छोड़ दीजिए, मान लेते हैं एक व्यक्ति ये है, है ना, ये इस कार को देखा, C1 को देखा, और जैसे C1 को देखा, C1 के देखने के बाद, ठीक है, 10 मिनट में इसको C2 मिल जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप रास्ते में हैं,
ठीक है, आपने एक गाड़ी प्रारंभ की और आप चल रहे हैं ना, आप उसी विपरीत दिशा में चल ही रहे हैं और दूसरा गाड़ी आपको जस्ट 10 मिनट बाद मिल जाता है और दोनों गाड़ी की स्पीड सेम थी, तब आपको गाड़ी की स्पीड तो पता है, व्यक्ति की स्पीड बतानी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल को ले लेंगे। ठीक है, तो इस कार की सापेक्ष चाल क्या है, क्योंकि व्यक्ति इस ओर आ रहा है और एक कार इस ओर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। मिलने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों की स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। कार की स्पीड तो हमको पता है 20, व्यक्ति की नहीं है, एक्स मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। टाइम नीचे कितना है, 10 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 10 का भाग दे देंगे 60 से। क्यों, क्योंकि ये मिनट में और ये घंटे में है। आगे आप सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 + x हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 60 ऊपर चला जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, क्या 60 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 6 चौके 24, या 0 को यहीं से 0 काट दीजिए, 6 चौके 24, तो ऊपर 24 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति आर, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं ना, हमने स्पीड माना था, ये इसको स्पीड हमने माना था, व्यक्ति की स्पीड माना था, इसको व्यक्ति की स्पीड माना था और व्यक्ति की स्पीड ही हमको पूछा गया है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की स्पीड है जो कार की विपरीत दिशा पर, विपरीत दिशा में चल रहा है। एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग दूरियों से तय किया जाएगा तब इसकी एवरेज चाल, एवरेज चाल के लिए आप क्या करोगे, 2xy, यहाँ पे x और y क्या चीज़ है, इसकी स्पीड है, तो और नीचे हो जाएगा x + y। ठीक है, 2 गुना कितना है, 120 गुना 80, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200। इसको काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 2 + 2 कट गया, 12 × 8 = 96। ठीक है, 96 किलोमीटर प्रति आर कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न, एक स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच 45 मिनट की दूरी तय करती है, यदि ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर कम हो तो वही दूरी 48 मिनट में तय करती है, ट्रेन ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए, क्या कहा गया है, एक ट्रेन है ए से बी की बीच की जो दूरी है पता नहीं कितना है, 45 मिनट में पूरा करती है, यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वही दूरी 48 मिनट में पूरी करती, मतलब 3 मिनट एक्स्ट्रा समय लेती है गाड़ी। ट्रेन ए व स्टेशन बी के बीच की दूरी कितनी है, यह हमको बताना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यह हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। आपको पता है कि ट्रेन ए और ये बी हो गया, हमें सॉरी स्टेशन ए और बी, इसकी दूरी समान है, चाहे आप किसी भी स्पीड से चलो, दौड़ के चलो, भाग के चलो, रेंग के चलो, लेकिन दूरी तो सेम होगी, दूरी तो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ये देखिए, दूरी बराबर हमारे पास इक्वेशन होता है, ठीक है, दूरी बराबर हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगा, सबसे पहले तो समय का इक्वेशन आपको पता हो जाएगा, s/d/t होता है, d को हम पक्षांतर करेंगे तो t इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका s × t। याद नहीं आएगा तो आप ऐसा भी याद करके निकाल लीजिए, फिर बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, s/d/t। ठीक है, तो ये d निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन की स्पीड पहले क्या थी, मान लेते हैं पहले ट्रेन की जो स्पीड थी वो एक्स थी। ठीक है, कितने समय में पार करती है, 45 मिनट में, मिनट में दिया है, घंटे के लिए हम इसको परिवर्तन कर देंगे, 15 से काटेंगे तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, इसका मतलब है 3x/4, ये पहला इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब अगला डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस यही है, दोनों में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी स्पीड में ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ गई, स्पीड में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इसी फार्मूला में रखेंगे x - 5, अब कितना समय लेता है ये, 48 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना है ना, 12 से नहीं करना है, घंटे में बदलने के लिए इसको आप 60 से भाग दीजिए। ठीक है, घंटे में निकालने के लिए 60 से भाग देंगे तो 12 × 12 = 12 × 48 और 12 × 5 = 60, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका x - 5 = 4/5। ठीक है, यही होगा, यही होगा। अब देखिए ये वाला भी डी, ये वाला भी डी, एक ही दूरी को चल तय किया जा रहा है, तो डी डी आपस में बराबर है, तब ये क्या हो गया, 3x/4 = x - 5 = 4/5।
ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब हम इसको मान हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पांच का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है, 15x हो जाएगा। और इस क्या करेंगे, यदि हम इसको अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। मान लीजिए ऐसे ही होता है, 4x और 4 × 5 = 20। अब इस 4 का गुना करेंगे तो ये चर, मान लीजिए गुना ही कर लेते हैं लगातार, ठीक है। ये हो जाएगा 4 का गुना x करेंगे तो 4x। अब इस x का 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16x, ठीक है, 16x हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 5 × 4 = 20 और 20 का गुना 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। ये आप शॉर्टकट करा लीजिएगा, चाहे तो आप एक एक पॉइंट कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, 16x में 15x गया, बचा x, और इस साइड हमें बच जाएगा 80, मतलब x की वैल्यू हमको 80 मिल गई। लेकिन ये हमारा उत्तर तो नहीं है, हमको उसके बीच की दूरी पूछा गया है, ठीक है। और दूरी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन में मान रखिए या फिर एक इक्वेशन में रखिए। हम ऊपर वाली इक्वेशन में मान रख देते हैं, 3x का मान कितना है 80, बटा कितना है 4, तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 20 × 60 किलोमीटर, कितना 20 × 60 किलोमीटर। देखिए आप कभी भी एग्जाम में बहुत कम ट्रिक वगैरह का यूज़ कीजिए, ठीक है। देखिए ट्रिक आपको पता नहीं कि, देखिए ट्रिक याद करने के लिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि वो कौन से प्रश्न में लगेगा, ठीक है। यदि आप कोई शॉर्टकट याद करते हैं, कोई ट्रिक याद करते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए कि वो कौन से प्रश्न में लगने वाला है। और प्रोसेस से बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को आप चाहो तो कुछ ट्रिक्स भी बना सकते थे, एक दो लाइन में आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावनाएँ रहती है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत आराम से आप प्रश्न बना पाओगे। अगला प्रश्न, एक आदमी जो है x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है तो y घंटों में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है, यदि आदमी x सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, x सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितना दूरी तय करेगा या फिर उसकी गति क्या होगी। एक आदमी जो x सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है, x सेंटीमीटर, तो एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, और एक मिनट में x, तो 60 मिनट में 60x, ठीक है, इस गति से वो गति करना शुरू करेगा। हमको पूछा क्या गया, दूरी पूछा गया ना, तो दूरी बराबर हम क्या लिखते हैं, दूरी बराबर हम लिखते हैं आपका s × t लिखते हैं, मतलब स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे x है, टाइम कितना है, ये टाइम 60 हो गया। लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, याद रखिएगा, इसमें दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, और हमको आंसर नीचे किलोमीटर में पूछा गया है, ठीक है, आंसर हमको किलोमीटर में पूछा गया है, ठीक है, दूरी हमको किलोमीटर में पूछा गया है। तब क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 है, 60x है, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये, इसको जब भी आप किलोमीटर में चेंज करोगे सेंटीमीटर को, तो इसमें 5 जीरो लग जाता है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1 लाख से आपको उसको डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, 6 का आधा कर दीजिए और 10,000 का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x/5,000, ठीक है। अब हमको पूछा है कि वाई घंटों में, तो ये एक घंटे का वैल्यू हो गया, वाई घंटों में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल 3xy करके 5,000 लिखना है, क्योंकि वाई का बस गुना करना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3xy 5,000, कहीं पे है क्या ऑप्शन नंबर 3xy 5,000, 3xy 5,000 ऑप्शन नंबर सी। तीन कारों का जो चाल का अनुपात है 3, 4, 5 है, प्रत्येक द्वारा समान दूरी पर तय किया जाता है, तो उसका समय का अनुपात क्या होगा। आप हमेशा याद रखिए, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू d/t, इसका मतलब ये है स्पीड का सीधा संबंध डिस्टेंस के साथ है और स्पीड का उल्टा संबंध टाइम के साथ है। इसका मतलब ये है कि स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मैं तीन कार बनाता हूँ, 1, 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इसका क्या बोलेगा, स्पीड दिया गया है तो स्पीड का अनुपात कितना है 3, ये स्पीड है ना, याद रखिएगा स्पीड है ये 3,
चार और ये हो जाएगा पाँच, ये इसकी स्पीड है। यदि मैं इसको टाइम में चेंज करना चाहूँ, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, मैं जस्ट देखिए, यदि उल्टा करके यदि आपको मान निकालना है ना, तब क्या करना है बताइए। यदि ए को ज्ञात करना है, मान लेते यदि ए को ज्ञात करना है, तो ए को छोड़िए बी और सी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा चार पंचे बीस, ठीक है। बी को निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, सी और ए को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाँच या पंद्रह, ठीक है। सी को निकालना है तो बी और ए का गुना कर दीजिए, चार तिया बारह, ये आपको उत्तर आ गया बीस, पंद्रह और बारह, ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने कहा कि इसका रिवर्स करना पड़ता है, मतलब स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अब इसको आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसा कर लेना, ठीक है। कैसा करना, ऐसा करना। अब उल्टा लिखना है तो एक का यदि तीन को हम उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते, एक बटा तीन लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। स्पीड और टाइम आपस में विपरीत होता है, स्पीड और टाइम आपस में एक उल्टा होता है, ठीक है। अब बी का यदि मुझे टाइम निकालना है तो एक बटे चार लिखना पड़ेगा, सी का टाइम निकालना पड़ना है तो एक बटे पाँच लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है और इसको गुना करना है। एलसीएम लेंगे तो बारह पंचे साठ और ये हो जाएगा आपका साठ आ जाएगा, इसका एलसीएम साठ आ जाएगा, तो साठ से सबको गुना कर देंगे, ये हमने साठ से गुना कर दिया। अब देखिए साठ से गुना करेंगे तो तीन से भाग देंगे तो ये बीस बार में जाएगा, चार से भाग देंगे तो ये पंद्रह बार में जाएगा, पाँच से भाग देंगे तो ये बारह बार में चला जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है शॉर्टकट, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर लेना रिवर्स। अब अगर अगर किसी चीज़ का तीन चीज़ का अगर रिवर्स निकालना है तो आप इस प्रकार से रिवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका रिवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो गया। लेकिन दो चीज़ का अगर रिवर्स निकालना होगा तब कैसे करोगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी है और स्पीड दिया गया है छः और सात का, तो आपको टाइम निकालना है तो सीधा इसको उल्टा कर दीजिए, सात यहाँ लिख दीजिए, छः यहाँ लिख दीजिए, इसका टाइम का इस रेशियो आ गया। लेकिन यदि तीन चीज़ होगा, तीन रेशियो होगा, तब आपको कुछ इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। दो रेशियो होगा तो बस इसको पलट देंगे, आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की ठहराव, सॉरी एक रेलगाड़ी की बगैर ठहराव के चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवं ठहराव के साथ उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह रेलगाड़ी 7 घंटे की यात्रा करती है तो ठहराव में कितना समय व्यतीत करती है, ये उत्तर प्रश्न आपको बताना है कि कैसा उसका उत्तर होगा, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ बना सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। ध्यान से पढ़ना, यदि कोई रेलगाड़ी एक घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब है कि एक घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा करती है। लेकिन भाई अगर स्पीड घट जाती है तो एक घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, तो कितने का नुकसान हुआ, 45 माइनस 36 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर कम चल रहा है, ठीक है। 9 किलोमीटर कम चल रहा है। अगर समय की बात करें तो इस 9 किलोमीटर में ये यदि हम स्टार्टिंग समय से चलते हैं, है ना, प्रारंभिक चाल से, तो कितना समय लगता, ठीक है। तो अगर चलते तो कितना समय लगता, इसको आप देखिए, ठीक है, कितना समय लगता, क्योंकि ये हमारा किस में है, समय की बात करें ना, हमको समय निकालना है यहाँ से, ठीक है। क्या निकालना है हमको, समय निकालना है प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में समय निकालना है, तो 60 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, अब आंसर ला जाएगा। 15 कम 15, 15 से 45, 15 चौके 60, ठीक है। 15 चौके 60, अब क्या हो जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, मतलब 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। 9 किलोमीटर की गति को करने के लिए 9 मिनट का समय लगता है। 9 किलोमीटर को की जो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चलते हैं तो 12 मिनट लगता है। इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल 9 किलोमीटर तो चल नहीं रहे हो, 36 की स्पीड से चल रहे हो, इसका मतलब प्रत्येक एक घंटे में आप 12 मिनट रुक रहे हो। क्या हो गया, प्रत्येक एक घंटे में 12 मिनट का ठहराव आपको मिल रहा है, 12 मिनट का ठहराव मिल रहा है प्रत्येक घंटे में। और कितने घंटे की यात्रा है, 7 घंटे की यात्रा है, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 होगा, ये होगा ना 12 सत्ते 84। अब इसको आप घंटे में बदल दिए, 60 मिनट का एक घंटा होता है, ठीक है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, तो 60 में कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, तो एक घंटा 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 24 का 84 मिनट है, 60 मिनट का एक घंटा, तो 60 माइनस करेंगे 84 में तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, तो एक घंटा 24 मिनट इसका उत्तर होगा। एक कार चालक घने कोहरे में धीमी चाल समान धीमी चाल गतिमान व्यक्ति को पार करता है, पैदलगामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देखता है, जिस समय तक वह कार 0.6 किलोमीटर दूरी तक, यहाँ तक है क्या, तक लिख लीजिए, तक दूरी तक
दूरी, सॉरी दूरी तय कर लेती है, तय हो गए, दूरी तय कर लेती है तो कार की चाल क्या होगी। ठीक है, तो कार की चाल क्या होगी, मतलब इसका मतलब यह है कि एक सामान कोहरा था, मतलब घना कोहरा था, उसमें एक समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब एक कार तो चल रही है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि क्योंकि गाड़ी धीमी चल रही है इसलिए वो लगभग, ठीक है, लगभग 6 मिनट तक उसको कार दिखते रहता है और 6 मिनट तक दिखेगा और कितना दूरी है 0.6 किलोमीटर की दूरी तक वो गाड़ी को जाते हुए दिखता है। होता भी यदि आप कहीं जा रहे हैं उसी उसी दिशा में जा रहे हैं और सामने वाली गाड़ी स्लो है, भले ही आपसे स्पीड ज़्यादा है लेकिन स्लो है, तो आप कुछ समय तक उसको देखते रहते हो, ऐसे ही प्रकार का प्रश्न है। तो कार की चाल क्या होगी हमको पूछा गया है। ठीक है, तो कार की चाल क्या होगी, मान लेते हैं कार की चाल एक्स है, कार की चाल एक्स है। ठीक है, और हमको क्या करना है, ये 6 मिनट को हमको घंटे में बदलना है। ठीक है, ये 6 मिनट को हमको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाना होगा, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 और घंटा, 1/10 घंटा, बस हो गया हमारा काम। अब हम इसमें मान रख देंगे एस बराबर डी बटा टी। ठीक है, स्पीड हमको निकालना है, कार की स्पीड कितना माने हम, एक्स माने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस कैसे करना है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, विपरीत दिशा में चलते हैं ना, जैसे दोनों यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब उसको हम स्पीड को प्लस करते हैं, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रहा है तभी तो कार को जाते हुए दिखेगा। यदि आपके पीछे कोई कार चल रहा है तो आप थोड़ी देख पाओगे, यदि आप उस एक ही दिशा में चलते रहोगे तब ना कार को देखोगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमको एक्स में माइनस करने पड़ेगा व्यक्ति के स्पीड को, एक्स क्या चीज़ है, कार की स्पीड है। ठीक है, बराबर डी हमको डी दिया गया, क्या डी, बिल्कुल दिया गया है, कितना किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 0.6 किलोमीटर। अब टाइम 1 घंटा, 1/10 मिनट, तो यदि 1/10 मिनट को भाग लगाएंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यही होगा। ठीक है, एक माइनस 3 हो जाएगा, 10 का गुना 0.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ठीक है, सॉरी -1, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ये माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल थी, क्या थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल थी। समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी को तय करता है, पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल क्या रही है। ठीक है, पूरे प्रवास में उसकी औसत चाल क्या है आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा प्रश्न, जब भी समान दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाएगा तो औसत के लिए आप क्या लगाओगे, 2xy लगाओगे, x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 गुना कितना हमारे पास, कितना स्पीड है हमारे पास, स्पीड एक है हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, इस जीरो से हम कोई एक जीरो काट देते हैं, चलो तीसरा जीरो काट दिए। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 5 या 15, 150/4 बचा, 150/4। अब 150/4 को आप भाग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितने बार में चला जाएगा, 4 या 12, 3 बार में गया, स्टार्टिंग में 3 सभी में है, 3 में 12 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर ये हो जाएगा आपका 4 7 28, ये हो जाएगा 7, 37 कहीं पे है क्या, 37 भी है लेकिन पॉइंट में और आंसर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 37.5 इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होगी। अगला प्रश्न, एक निश्चित यात्रा का 1/4 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूर्ण करते हैं और 1/3 को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा जितना भी शेष बच गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत रफ्तार क्या होगी ये बताना है। ठीक है, मान लेते हैं टोटल दूरी हमारे पास कितना था, कुल दूरी मान लेता हूँ ना, कुल दूरी था 1, कुल दूरी 1 था, इस 1 में से 1/4 मैंने माना माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1/4 की जो दूरी है मैंने 25 से पार की थी, यदि 1/4 मैंने माइनस कर दिया
है। अब इस 1/4 मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 1/3 भी माइनस करना है, तो 1/3 भी यदि माइनस कर दिया तो मुझे लास्ट में क्या मिलने वाला है, लास्ट में मुझे मिलने वाला है 1/12, सॉरी 5/12 मिलने वाला है, ये अंतिम है। ठीक है, एक में पहले आप 1/4 माइनस कीजिए, उसके बाद फिर से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/12 मिलेगा। और ये नीचे लिखा है यही हमारी कुल दूरी है, ये हमको यूनिट मान के चलना है कि कुल दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है, कुल दूरी 12 है। अब 12 का 1/3 कितना हो, सॉरी 12 का 1/4 कितना होगा, डिस्टेंस देख रहे हैं ना, 12 कुल दूरी हमारे पास यूनिट में आ गया 12, ऊपर को छोड़िए, ऊपर कोई दिक्कत नहीं, उसको गोली मारी फिलहाल। ठीक है, कुल दूरी कितना हो गया 12, और 12 का 1/4 कितना होता है, मात्र 3 होता है। ठीक है, 12 का 1/3 कितना होगा, 12 का 1/3 होगा 4। अब देखिए 4 × 3 = 7, टोटल दूरी कितनी थी हमारे पास 12, 7 हमने चल लिया, बचा हमारे पास 5। तो देखिए 7 × 4 = 7, 7 × 5 = 12, टोटल 12 आ गया। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या कहा गया है कि पहले जो दूरी है उसको 25 की स्पीड से तय किया गया है, दूसरे दूरी को 30 की स्पीड से तय किया गया है, और तीसरे दूरी को 50 की स्पीड से तय किया गया है। अब हमको यहाँ टाइम निकालना है, टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम के लिए हमारा D/S हो जाएगा, तो D हमारे पास कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/25। अब टोटल टाइम निकालना है ना, याद रखिएगा, क्योंकि हमको औसत निकालना है, तो औसत का एक और फार्मूला होता है कुल दूरी है ना, कुल डिस्टेंस, और ये होता है आपका कुल टाइम। हम इसी फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं, कुल दूरी और कुल टाइम। तो कुल दूरी तो हमारे पास निकल गई है 12, अब कुल टाइम निकालना बचा है। ठीक है, तो टाइम निकल से निकालेंगे, डिस्टेंस में स्पीड को माइनस करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, ये पहला टाइम हो गया। अगला डिस्टेंस हमारे पास है 4, और इस 4 को कितनी स्पीड से तय किया गया है, 30 की स्पीड से तय किया गया है। अगला दूरी है 5, इस 5 को 50 की स्पीड से तय किया गया है। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 1 बार 10 बार में कट जाएगा। अंततः हमारे पास क्या आया, 3/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10, ये समय है ना हमारे पास, समय अभी ऐड हो रहा है, उसके बाद हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, अब इसको आपको कैसे बनाना है, इसको आपको बनाना है LCM से। कैसे बनाना है, LCM से। तो 15, 5 और 10 का LCM लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास LCM 150 LCM आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150। 5 से भाग देंगे, कितने बार में चला जाएगा, 5 × 15 30 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 मतलब 25 है ना ये हमारे पास, मैं इसको कहीं गलत लिख दिया था क्या, ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, तो 25 × 150 और है ना, और 6 × 3 हो जाएगा 18 प्लस 15 और 150 का यदि भाग देते हैं तो ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 बार में जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 को 150 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या बच गया हमारे पास, टोटल आ गया हमारे पास 53 सही 150, ये हमारा समय निकल गया। ठीक है, अब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज के लिए कुल दूरी मेरे पास 12 है। ठीक है, टाइम कितना है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि कुल दूरी में कुल टाइम मेरे पास 53/5 है, तो 53 आ जाएगा नीचे और 150 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 150 ऊपर चला जाएगा, 12 × 12 = 60 और 6 बचा है, 12 × 12 = 12 हो जाएगा 18। ठीक है, और नीचे बच गया 53, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18/53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी, 18 किलोमीटर प्रति 1853 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति गति से चलती है, ठीक है, तथा 100 किलोमीटर प्रति गति से वापस आता है, कहने का मतलब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चार में तय कर रहा है, तो 2xy लगा दीजिए इसमें, x + y। ठीक है, तो ये 260 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, दोनों को नीचे जोड़ना है तो ये हो जाएगा 160। 0 से 1 0 काट दीजिए, बस आगे आप सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए, बस आगे केवल सॉल्व करना है आपको, आंसर लाना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 से करेंगे तो हमारा 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, इसको और हाफ करेंगे तो ये 4 में और चला जाएगा, और ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, और हाफ कर सकते हैं कि इसको 4 से करेंगे तो ये आपको चला जाएगा ये 2 बार में और ये 30 बार में, और इसको आधा कर सकते हैं क्या, तो इसको 15 कर सकते हैं। आप खंड खंड में बांट कर लीजिए, या फिर एक बार पढ़ा पढ़ भी कर सकते हो, 15 × 5 = 75, ठीक है, ऑप्शन आपका 75 किलोमीटर प्रति आर, तो ये 75 किलोमीटर प्रति आर। एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी
तय करने में एक धीरे चलने वाली रेलगाड़ी से 3 घंटा कम समय लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की जो चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो इन दोनों गाड़ियों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, एक दूरी है 600 किलोमीटर, है ना, उसमें से दो रेलगाड़ी है, एक स्पीड चल रही है, एक फास्ट चल रही है, एक स्लो है, एक फास्ट है, और दोनों के जो चाल का जो अंतर है उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल का अंतर है। ठीक है, और जो फास्ट चलती है वो 3 घंटे में पहले तय कर लेती है दूरी कम की अपेक्षा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है, मान लेते हैं जो तेज चल रही है, ठीक है, जो तेज चल रही है इसका स्पीड मानेंगे तो एक्स मान लेते हैं, तो जो धीरे चल रही है, क्या चल रही है, धीरे चल रही है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना कहीं पे स्पीड 10 कम है, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है एस बराबर डी बटा टी। ठीक है, एस बराबर डी बटा टी। अब हमको पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हमको समय पूछा गया है। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टी को ऊपर ले आएंगे तो टी बराबर डी बटा एस हो जाएगा, डी बटा एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं 3 घंटे कम समय लेती है, इसका मतलब ये है कि 3 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो अंतर किस में होगा, जो जिसका स्पीड कम होगा वो ज़्यादा समय लेगा, तो धीरे वाला की स्पीड कम है, कितना किलोमीटर चलना है इसको, 600 किलोमीटर चलना है, इसका स्पीड क्या है तो एक्स माइनस 10 है। ठीक है, ये ज़्यादा समय लेगा, और अगला गाड़ी है ये भी 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन एक्स मतलब इससे ज़्यादा स्पीड से तय करेगा, और दोनों का अंतर देखा जाए तो 3 घंटे का अंतर है मात्र। कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी इसको शॉर्टकट में सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, एक्स माइनस 10 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, इन तीनों को हमको निकालना पड़ेगा। मैं एक एक करके बता देता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा इसमें पद बढ़ जाएगा लेकिन दिक्कत आपको आराम से बनाते बन जाएगा। एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 10x हो जाएगा, ये 10x हो गया आपका। ठीक है, अब क्योंकि नीचे यदि अलग होता है ना, तो यदि हमने लघुत्तम निकाला है तो आप इसको क्रॉस मेथड से लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 600x माइनस 600x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये 10 और 600 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, अंतर था 3, अंतर क्या था, 3 था। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पक्षांतर होगा 3 के साइड चला जाएगा, इस साइड क्या बचेगा हमारा 600x माइनस और 600x प्लस, तो ये तो आपस में कट गया, बचेगा इस साइड क्या बचेगा हमारा मान 6000 बच जाएगा, और ये x इसको इधर जाके गुना, अब 3 का गुना हम लाइन से करते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 दहम 30x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया है ना, द्विघात समीकरण बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे सकते हैं क्या, 3 से भाग दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिख लीजिए, माइनस 10x लिख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2000, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनाने के बाद आप इसको बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इस 10 को ऐसा तोड़िए कि इसको गुना करने पर 2000 हो और माइनस करने पर आपका 10 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 50x प्लस 40x। ठीक है, 50 और 40 गुना करेंगे 2000 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2000 बराबर 0। ठीक है, कॉमन क्या निकल सकते हैं, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 50। ठीक है, प्लस 40 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 50, फिर से अंदर बच जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको पता है जो x के साथ जो माइनस में होता है वही उत्तर होता है, और जो x के साथ प्लस में होता है क्योंकि वो पक्षांतर होने के बाद माइनस हो जाएगा और कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आता द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसलिए हम x की वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया 50 किलोमीटर प्रति आर। ठीक है, x हमने माना था तेज वाले को, और कम वाला, ठीक है, जो कम वाला 10 कम होगा तो 50 में 10 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। एक बस ने स्थान ए से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 80 मिनट में स्थान बी तक पहुंचती है। यदि बस की औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा
की वृद्धि कर दी जाए तो उससे इतने ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इतने देखिए आंसर आपका मिनट में दिया गया, बहुत आसान हो गया। क्या कहा है, आंसर आपका मिनट में दिया गया, बहुत आंसर आपका आसान हो गया। अब देखो हमको डी निकालना है, डी निकालते हैं तो एस इंटू टी करते हैं। एस मतलब स्पीड कहीं भी दिया है क्या, तो 40 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, टी कितना दिया गया है, 80 मिनट, क्योंकि मिनट में ही निकालने से देखो घंटे में बदलने की कोई कंजट नहीं है। तो इतना करने पे हमको क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगा, डी मिल गया। अब कहा गया है यदि हम स्पीड में 10 का गुना कर, मतलब 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, पहले स्पीड कितना था 50, अब 10 बढ़ा देंगे, सॉरी पहले कितना था 40 था, अब 10 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, तो ये 50 है ना। ठीक है, इतना करने से हमको क्या मिलेगा, समय, दूरी तय करने में समय मिल जाएगा। समय का परिभाषा पता है आपको ना, एस बराबर डी बटे टी होता है, और टी को पक्षांतर करेंगे तो डी बटे एस लिखना पड़ेगा। ये ऊपर जो 40 गुना 80 है ये मेरा डिस्टेंस है, और नीचे जो है मेरा स्पीड है, तो दोनों को भाग लगाऊंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, आठ हो जाएगा आपका, 8 से गुना करेंगे तो 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32, 320 बटा 5। ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 मिनट आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 64 मिनट। 5 छः के 30, 30 हो गया, फिर 2 हो जाए 5 चौके 20। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 मिनट, उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, इस यात्रा में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस यात्रा में कितना समय लगेगा ये हमको पूछा गया है, बताइए भाई कितना समय लगने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमको उत्तर सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, एक तो होता है आपका किलोमीटर प्रति आर, जिसमें दूरी किलोमीटर में होना चाहिए और जो समय है आर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकंड पूछ दिया गया है, तो दूरी को मीटर में होना चाहिए और समय को सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दूरी क्या दिया गया है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, दूरी कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू स्पीड निकालते हैं, लेकिन हमको यहाँ निकालना है यात्रा में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हम लिखेंगे डिस्टेंस 240 और स्पीड नीचे आ जाएगा, स्पीड कितना है 8 किलोमीटर। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारा आंसर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा करने से हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो किलोमीटर है, जो दूरी है वो किलोमीटर में है, दूरी क्या है किलोमीटर में है। यदि इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, क्योंकि यदि मुझे, क्योंकि उत्तर सेकंड में है ना, सेकंड में है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 240 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये पूरा अब मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब मुझे समय को सेकंड में लाना होगा, क्योंकि ये घंटे में है। सेकंड में लाने के लिए क्या करता हूँ मैं, 5 बजे 18 से गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना करूँगा तो 5 बजे 18, 18 को नीचे ना लिखे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये नीचे का चीज़ हमेशा देखिए इस प्रकार से ऐसा लिखता, लेकिन नीचे का चीज़ ऊपर चला जाता है, तो यही 18 को मैं काट के डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी 18 को नीचे ना लिख के सीधा ऊपर लिख रहा हूँ, कैसे देख लीजिए, ये 18 मैंने ऊपर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका समय उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने से आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो ये 30 बार में कटा। 5 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 200 हो गया। ठीक है, अब 28 को गुना कर लीजिए। ठीक है, अब 88 तो 18 3 54 और 54 दूनी होता है 108, तो 108 स्टार्टिंग है किस में, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो 108 और ये हो जाएगा 00 सेकंड, ये उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक कार की जो गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3600 मीटर की एक दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, मिनट में आपको आंसर पूछा गया है। क्या लिया गया है, मिनट में आपको आंसर पूछा गया है, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको में दो बार आपको यूनिट चेंज करना होगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, समय, तो समय हमारे पास होता है टी बराबर डी बटा एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस हमको दिया गया है 3600 मीटर में, है ना। ठीक है, फिलहाल मीटर में ही रखे रहते हैं। उसके बाद क्या दिखा गया है हमको, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं।
है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, सॉरी ये ऊपर 5 होगा, बस लिखते समय ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 5/18, तो 18 का 18 18 2 36, 5 2 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब आंसर आ गया आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। तो 360 सेकंड हो गया, हमको पूछा गया है मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, 0 से 0 गया था, 6 6 36, तो ये हो जाएगा 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लगभग 2 टॉपिक और बनने वाले हैं, 2 वीडियो इस टॉपिक से बनने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।